हेलो, हाय हाय। हेलो लक्ष्मी, हेलो सचिन, आप लोग मुझे देख पा रहे हो? जो लोग देख रहे हैं प्लीज मुझे एक मैसेज करो ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो वीडियो सब सही है। साउंड क्लियर आ रही है आप लोगों को? मैं दिखाई दे रही हूँ, साउंड क्लियर आ रही है तो हम लोग शुरू करें। ओके संध्या, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास। सचिन एंड लक्ष्मी एंड संध्या, ओके क्लियर है? ओके चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ और एग्जाम की डेट आ गई है। हेलो प्रभात, बेबी, रिचा एंड चिंतामणि, वेलकम ऑल। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों की एग्जाम की डेट आप लोगों की आ गई है और लोगों का टेंशन भी बिल्कुल हाई लेवल पे चला गया है। ठीक है, तो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा। और इसमें आपकी हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इसीलिए जब मुझे यूट्यूब पे क्लास लेना था तब मैंने ये प्लान किया था कि मैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स बोलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने के लिए जो उनकी हेल्प हो जाती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट है वो मैं आप लोगों से बताती हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि किसी भी आप दूसरे प्रैक्टिस सेट से तैयारी करो या फिर प्रैक्टिस करो, उससे बेटर है आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस ले लो और विदाउट मतलब उसके आंसर शीट के, बिना उसके आंसर के, आंसर की के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो मोस्टली। ओके हेलो सुमन, हेलो श्री कृष्णा, हाय संध्या, हेलो प्रभा, चिंतामणि एंड रिचा, बेबी, एवरीवन, सचिन, संध्या, प्रभात। ओके जितने भी लोग हैं सबका वेलकम है। जो लोग क्लास में जुड़े हुए प्लीज क्लास को लाइक कर देना। मैं बहुत दिनों बाद आज लाइव आई हूँ, यूट्यूब सेशन मेरा लाइव हो रहा है। प्रणाम सुमन। ठीक है, तो वही मैंने आप लोगों से एक बात बोली कि भैया आप लोग अब ये टाइम आ गया है कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस रिवीजन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट्स रैंडमली लेने से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हेलो मोहना एंड हेलो मिस तनवर। ओके चलो शुरू करते हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं यहाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहा है? कोई है? या सभी मुझे जानते हैं? सभी पहले से मुझे जानते हैं। कोई नहीं है यहाँ जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहा है, सो उनके लिए तो बेसिकली नहीं है, लेकिन जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं उनके लिए है। अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है तो कर लो फॉलो। ओके आप लोग देख सकते हो मेरा प्रोफाइल। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता है अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके एनटीए नेट की कैटेगरी में सोनी कुमारी आप सर्च करोगे तो मेरा प्रोफाइल आपको दिख रहा है। इस पे जाके आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद मेरे जितने भी क्लासेस, कोर्सेस, जो भी होता है मेरे कोर्स से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, सब आपको मिल जाता है यहाँ पे। आपको जाके फॉलो करना होता है। और आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, ऑल लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे हैं यहाँ अनअकैडमी प्लस क्लास के भी, तो बहुत डिटेल में क्लासेस होती हैं। बहुत सारे लर्नर्स मुझसे पूछते हैं कि मैं आप केवल क्वेश्चन कराते हो, ऐसे ही पैटर्न से पढ़ाते हो? ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक नेट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप लोग फैक्टुअल चीजें सॉल्व कर सकते हो ना ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि एनटीए ने जब से कंडक्ट कराना शुरू किया है एग्जाम, तो क्वेश्चन के लेवल बहुत ही हाई हो गए। ठीक है, अब काम नहीं चलने वाला है रट्टा मार पद्धति, वन लाइनर क्वेश्चन, उससे काम चलने वाला नहीं है। हेलो सोनी, हेलो गुरिया, चलो शुरू करते हैं।
और जितने भी लेसन हैं वो सारे टॉप के एजुकेटर्स हैं हमारे हिस्ट्री के, जितने भी हैं या फिर पेपर वन के, हेलो बानिश, हमारे हिस्ट्री के हैं या फिर पेपर वन के जो टॉप के एजुकेटर्स हैं तलवीर सर, नवदीप मैम, जितने भी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं पेपर वन को सॉल्व करवाने में, उन सबकी क्लासेस देख सकते हो। और वीकली क्विजेस होते हैं, डाउट डाउटलाइन सेक्शंस होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। मेरा रेफरल कोड आप देख रहे हो, रेड से हाईलाइट किया रखा है मैंने, इसको यूज़ करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इस रेफरल कोड के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सोनी कुमारी लाइव आपको ऐड करना है, ओके। आप लोग देख सकते हो बहुत सारे बच्चे मुझसे फ़ी के बारे में भी पूछते हैं, तो मैंने बता दिया। हालांकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ो, क्योंकि एक कंप्लीट तैयारी चाहिए, तो पूरे तरीके से शुरू करना है बेसिक से चीज़ें, तो 6 मंथ, हालांकि 2 साल के लिए भी, 1 साल के लिए भी जुड़ सकते हो, लेकिन मिनिमम 6 मंथ से जुड़ने के लिए मैं एडवाइस करती हूँ। और आजकल के समय में जबकि सितंबर में एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 1 महीने के लिए चाहो तो ज्वाइन करो अभी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। 1 महीने की फ़ी आपको हो जाती है 2100, ठीक है। उसमें भी आप कोड यूज़ कर लोगे सोनी कुमारी लाइफ, उसके बाद से आपको और भी कम, इसमें भी और पैसे कम हो जाते हैं, तो 1800 कुछ करके आपकी फ़ीस हो जाती है। तो 1 महीने में अगर 1800 कुछ करके में आप ज्वाइन करते हो, आपको ढेरों PDF मिल जाती है, ढेरों नोट्स मिल जाते हैं सारे एजुकेटर्स के, पेपर वन प्लस पेपर टू। आपको अलग अलग पेपर वन और अलग अलग पेपर टू के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार फ़ी पे करो, सारी क्लासेस लो NTA नेट की कैटेगरी के। उसके बाद अगर आप 1 महीने के लिए ज्वाइन करते हो तो जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई है कंप्लीट, 15 से ज़्यादा कोर्सेज तो मेरे ही हैं, मेरे इतने सारे क्लासेस हुई हैं और बिल्कुल सिलेबस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ 2-2 बार। तो चाहो तो आप वो सारी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लासेस को देख सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये सारे फायदे हैं अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने रेफरल कोड बता दिया, आप उस कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे प्रोफाइल की लिंक भी मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करना तो मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे, ओके। चलो बहुत बातें हो गई, अब काम कर लेते हैं थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2015 के क्वेश्चन आंसर, 2015 के क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं जून के, ठीक है। हम लोग जितने भी स्पेशल क्लासेस मैं लूँगी, जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस लूँगी मैं, उन सब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी रैंडमली, किसी भी ईयर के करा दूंगी, ओके, जो आपकी हेल्प करेंगे। और जो लोग अभी न्यू हैं, मेरी क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मुझे अनअकैडमी पे डेली मेरी क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्पेशल क्लास कहलाती है अनअकैडमी पे। ये आप मुझे 8 to 9 PM में ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे, जहाँ पे मेरी फ्री वे क्लासेस आप देख सकते हो, 1 घंटा मैं वहाँ MCQ सॉल्व कराती हूँ, ओके। तो ये अब जैसा जैसा कि टाइम मैंने बताया कि ये हाई टाइम है कि प्रैक्टिस करो रिविजन करो, प्रैक्टिस करो रिविजन करो, तो आप चाहो तो डेली कल से मंगलवार से मतलब 25 तारीख से 31 तारीख तक डेली क्लासेस है मेरी, ओके। तो आप लोग 8 से 9 बजे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो, अनअकैडमी पे ज्वाइन करो, और 10 से 11 बजे मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, जो कि दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, ओके। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले ले, फी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन, हथनोरा का मानव से जीवाश्म किस प्रकार का मानव है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी फटाफट इसका आंसर करेंगे, ओके। देखो स्टोन एज का क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी यहाँ करती चली जाऊंगी, ओके, सभी लोग आंसर करें। मैं यहाँ पे एक चीज बहुत ही स्पेशल चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शैलेश, PYQ आने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि आपने देखा होगा दिसंबर का पेपर, दिसंबर 19 का पेपर, 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हैं, तो आपके अगर नेट के लिए, JRF के लिए 1 क्वेश्चन भी बहुत होता है, लोगों के 2 नंबर से 4 नंबर से नेट या फिर JRF रह जाते हैं, तो 1 क्वेश्चन की भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको JRF और नेट दिलवा सकता है, एक सही आंसर, ठीक है। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, 5-6 तो बिल्कुल आए हुए हैं, 5 क्वेश्चन तो एकदम श्योर हूँ जो डायरेक्टली आए हैं, ओके। तो ध्यान देना, आ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको एक आइडिया मिल जाता है ना। होमो इरेक्टस जैसे कि मैंने बताया, अब एक बात मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी स्टोन एज से, कि स्टोन एज कैसे पढ़े,
बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि स्टोन एज क्या करें, स्टोन एज कैसे, इतना सारा डेटा है, इतना सब। बस तीन चीज याद रखो, मैंने प्लस वाली क्लास में भी ये बात बोली है कि टाइम नहीं है बिल्कुल कि कैसे करें। सबसे पहले करो कि स्टोन एज के सारे जगहों के नाम, वो जगह किस टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं और वहां से क्या पाए गए, ठीक है, वो भी मुख्य वाले। अब प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टोन एज से मोस्टली क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीटेड होते हैं, ठीक है, देख लो। हाँ ओके, बिल्कुल सही है, ये होमो इरेक्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शवाधान किसने प्रचलन शुरू किया, शवाधान का। अब ये टाइम ऐसा आ गया ना कि आपको चूज करके पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, ये ऐसा समय है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। ये हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जून 15 का क्वेश्चन, सेकंड पेपर में डिस्कस कर रही हूँ। ओके, होमो सेपियंस, सॉरी सेपियंस द्वारा शवाधान है ना, शवों को दफनाने की प्रथा, ठीक है, सबसे पहले दफनाने की प्रथा शुरू की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, अब शवाधान पूछेंगे और एक पूछ लेंगे दफनाने की प्रथा, दोनों चीजें एक ही हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता था शव के साथ। तो ये बेसिकली शुरू किया था नियंडरथल मानव ने। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं, नियंडरथल मानव ने शवों को दफनाने की प्रथा शुरू की थी। और एक और इससे जुड़ी हुई बात ये है कि इसको बेसिकली हम लोग जब भी शवाधान पढ़ते हैं तो स्टोन एज में ऐसे बहुत से कम एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि मोस्टली हम लोगों ने यही देखा है कि नियंडरथल मानव है यही, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के शवाधान हुए हैं, जैसे शवों को दफनाने की प्रथा, शवों का अंतिम संस्कार, विस्तारित शवाधान या फिर कलश शवाधान, प्रतीकात्मक शवाधान। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इसके बाद पढ़ोगे उसमें भी शवाधान संबंधित जितने संस्कार हैं उसको देख लेना कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जगहों में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए अलग अलग जगह है ना, अलग अलग तरीके के शवाधान हुए। हेलो अंजलि, हाय भारती, ठीक है। ये पुनर्जन्म में विश्वास करता था, मोस्टली जितने दफनाए गए हैं ना भारती, मोस्टली जितने दफनाने किए हैं उनके थोड़े से वो मिलते जुलते हैं थॉट पुनर्जन्म वाले, जैसे कि हम लोग बेसिकली मिस्र में भी देख लो ना कि वो लोग, ये तो जितने भी आप लोग देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देख लो कि उनका उनका ये मान्यता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसीलिए तो मृत्यु के साथ आदमी के वस्त्र, सॉरी आदमी से जुड़े हुए पात्र, उनके कुछ चिन्ह, और कितने आप मिस्र में देख लो, मतलब नौकरों तक को दफना दिया है, जिंदा नौकरों को दफना दिया है, बर्तन दफना दिया, उनकी ज्वेलरी, वो जो गहने वगैरह पहनते थे वो सब साथ में दफना देते थे। ये उनकी अपनी थॉट से जुड़ा हुआ है बेसिकली, तो ये सारी चीजें बताती कि उनके बिलीव्स क्या थे। अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं लिखित तो है नहीं कि भाई कहीं से किसी ने बता दिया हो या लिख दिया हो कि वो क्या सोचते थे। अब ये सारा अंदाजा लगाया है हिस्टोरियंस के द्वारा कि इन्होंने ये सोचा होगा तो इस तरीके से किया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, नियंडरथल मानव जैसा कि बिल्कुल सही बोला कि पुनर्जन्म में बिलीव करता था। अब करता था या नहीं करता था ये तो मानव ने आके बताया नहीं है, ये हम लोगों ने बेसिकली एक अंदाजा लगाया है। समान सब कवर में, हाँ समान सब कवर में रखते थे। मॉडर्न में क्या पढ़ाए, पढ़े मॉडर्न में सोनी आप मैं कल क्लास लेने वाली हूँ सोनी 8 से 9 बजे, है ना। स्पेशल क्लास में मैं मॉडर्न के क्वेश्चन कराऊंगी, साथ साथ मैं पहले ये डिस्कस भी करती चलूंगी कि क्या क्या पढ़ना है मॉडर्न में, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सारी क्लासेस अटेंड करो, कल से जो 31 तारीख तक डेली स्पेशल क्लासेस, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होती है वो शुरू होने वाली है अनअकैडमी पे, तो रात को 8 बजे आप सभी मुझे ज्वाइन करना, ओके। वहां पे हम लोग मॉडर्न के क्वेश्चन भी करेंगे, टॉपिक्स भी देखेंगे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है, इसका आंसर करो। वेरी गुड, बुल्गारिया,
कहाँ है गुनगेरिया? गुनगेरिया कहाँ है? यहां से सबसे ज्यादा ताम्र संचय, ताम्र संचय के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, बहुत लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यहां से 424 ताम्र वस्तुएं मिली है। ताम्र संचय में क्या मिलेगा? तांबे की वस्तुएं, तांबे के खिलौने, हथियार, हाँ तांबे के खिलौने, हथियार और डेली यूज की चीजें, ये सारी चीजें मिलेंगी, मूर्ति वगैरह, ताम्र, तांबे के 424 वस्तुएं बरामद हुई हैं। हाँ, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़, देन फिर ऐसे बुक्स वगैरह में बहुत जगह मध्य प्रदेश लिखा है, छत्तीसगढ़ गुनगेरिया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे तांबे की 424 चीजें मिली हुई हैं यहाँ से। इसका आंसर दो। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। मैम इंग्लिश में मैम बता दीजिए मेन वर्ड्स को। ओके, नहीं श्वेता मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा फोर्टे बेटा इंग्लिश है, हिंदी है, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ बच्चे। आपको इंग्लिश के बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश में टीच करेंगे, तो आप उनकी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चे, नहीं तो आप सुन लो। ओके, मोहन जोदड़ो आपको मैच करना है ये, मोहन जोदड़ो लोथल हड़प्पा पिरा, ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति, हाँ मृणमयी आरा पहिया, मृणमयी मतलब कि मिट्टी का बना हुआ है, मृणमयी मतलब मिट्टी का बना हुआ, आरा पहिया मतलब टेढ़ा, आरेदार होता है ना, आरेदार ऐसे वो पहिया, घोड़े का जीवाश्म यज्ञ वेदी, आपको ये मैच करके बताना है, इसमें से ढूंढना है आंसर। जल्दी जल्दी बता दो इसको। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ बिल्कुल, ये थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन है, हालांकि मैं इतने इजी क्वेश्चन कराती नहीं हूँ, बट प्रीवियस ईयर का है तो करा रही हूँ। ए, दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, तो बी आपका सही आंसर है, ए का 2। ओके, हड़प मोहन जोदड़ो का है, हाँ मोहन जोदड़ो का है, सॉरी एक का मोहन जोदड़ो का घोड़े की मृण मूर्ति, बी का हो जाएगा 4 लोथल से यज्ञ वेदी, हड़प्पा हड़प्पा से पाया गया है, सॉरी आरा पहिया, देन फिर आपका डी का हो जाता है 3 घोड़े का जीवाश्म। हमेशा एक बात मैंने आप लोगों से कही है कि इस बात में मत पढ़ना कि घोड़े के साक्ष्य, अगर ये क्वेश्चन आता है घोड़े के साक्ष्य, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े की हड्डी मिले, घोड़े का दांत मिले, या फिर घोड़े का ही से जुड़े हुए कुछ मिले, जो हड्डी मिल जाए, जीवाश्म मिल जाए। घोड़े का साक्ष्य का मतलब कि वो मिट्टी का खिलौना भी हो सकता है, वो मिट्टी का खिलौना भी हो सकता है, जिसको बोला गया ना कि मृण मूर्ति, वो मिट्टी का खिलौना भी हो सकता है, जैसे कि हल के साक्ष्य मिले। हेलो सुजाता, हेलो लक्ष्मी, हेलो गायत्री, हेलो कल्पना, तो वो मिट्टी का घोड़ा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि घोड़े के साक्ष्य में आपके घोड़े की अस्थियां, हड्डियां। तो जब भी आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना कि घोड़े के हड्डियों के प्रमाण कहाँ से मिले, घोड़े के जबड़े कहाँ से, दांत कहाँ से, और घोड़े से संबंधित मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। पहले मृण मूर्ति क्या है, मिट्टी की मूर्ति बना के उसको पका देते थे भट्टियों में, ठीक है, ये था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ था और इसमें पश्चिम का कोई लेना देना उससे नहीं था, ये अपने आप हुआ था? दयाराम सानी, राखल दास बैनर्जी, जॉन मार्शल एंड माधो स्वरूप वत्स।
वेरी गुड। हाँ सारे हिंदी में है शैलेश, मैं सब कुछ मेरा हिंदी में ही है कोर्स। वेरी गुड शैलेश। एंड बहुत लोगों ने सोनी ने भी सही दिया है, सोनी है शैलेश जॉन मार्शल। ठीक है, अरे दयाराम सानी का को श्रेय दिया जाता है भाई ढूंढने का, लेकिन सबसे पहले प्रतिपादित किया था जॉन मार्शल ने, इन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंध क्षेत्र में खुद हुआ है, ना कि इसमें कोई पश्चिम से आके किसी तरीके का प्रभाव था या फिर वहाँ के लोग आके बस गए उन्होंने ये सभ्यता डेवलप की, ये सारी चीज़ें गलत है। ठीक है, तो ये जॉन मार्शल है। ओके, जॉन मार्शल ने अपनी ये थ्योरी दी, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है सिंधु सभ्यता के विकास से लेके सिंधु सभ्यता के पतन तक, सबने अपनी थ्योरी दी है। हाँ भारती का भी सही है। ओके तो ये देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का पतन, सिंधु सभ्यता पतन से रिलेटेड भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, आर्यों के आगमन, आर्यों के आगमन या फिर जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, ये बहुत सारी थ्योरी डेवलप की गई है। तो सबने अपने अपने रीजन दिए हैं, किनके क्या रीजन्स हैं वो भी कहीं हो सकता है तो पूछ दें कि निम्न में से किसने ये थ्योरी दी थी कि भाई जलवायु परिवर्तन, या फिर किसने दिया था कि भाई आर्यों का आगमन, वो सारी चीजें। भारतीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है भैया, ये बता दो। भारतीय भाषा मतलब भारत और यूरोपीय। अच्छा ये बात सुजाता, वेरी गुड। कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है बताओ, अभिलेख कौन सा है? वेरी गुड, बी बी इज राइट आंसर। इराक से, इराक से मिलता है भारतीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण। इराक और हाँ इराक से, वेरी गुड। कौन सा अभिलेख है, बोगस कोई अभिलेख किस भाषा में है? बोगस कोई अभिलेख भारतीय भाषा में है। नक्शे रुस्तम, नो 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 नो, नक्शे रुस्तम भारतीय भाषा में नहीं है। ओके, नहीं इसका फिलहाल इसका आंसर है इराक, नॉट ईरान, इराक से। भारतीय भाषा, नहीं, भारतीय भाषा, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो इसका आंसर दो, निम्न में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? भारत प्लस यूरोपीय भारोपीय। चलो, किस निम्न से किस गायत्री मंत्र का संकलन किया था? हाँ ये सबको सबको पता है, मुझे ये बात मालूम थी कि सबके आंसर सही आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये बात पता थी, विश्वामित्र। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, बड़ा आराम से सबने दे दिया। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऋग्वेद के
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, वेरी गुड, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी, क्या बात है। और ये महर्षि विश्वामित्र ने सविता को समर्पित किया है, हाँ सविता को समर्पित किया है। सविता मतलब भगवान सूर्य का, सुबह का जो स्वरूप होता है वो सविता कहलाता है। भगवान सूरज जब सुबह सुबह टाइम निकलते हैं तो वो जो स्वरूप बताया गया है सविता नाम दिया, उनको समर्पित किया है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट, जब महर्षि विश्वामित्र की बात आ रही है और वशिष्ठ की बात आ रही है, आप लोगों को इससे क्या रिलेटेड फैक्ट नजर आ रहा है? दशराग्य युद्ध, दशराग्य युद्ध। अब आप लोग, मेरा क्वेश्चन ये है कि दशराग्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? दशराग्य युद्ध का मंडल, सॉरी, जो दशराग्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है?